क्या हो गया मेरे भाई, आज क्या बोल दिया घर वालों ने? यार वरुण कुछ बताना, क्या करूं मैं? यार एक तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी एक्टिंग में है। ताने मत मार, सॉल्यूशन दे। तूने एक काम कर, तूने एक यूट्यूब चैनल खोल ले, तेरा पैशन का पैशन भी हो जाएगा और क्या पता चल जाए। चलेगा, ट्राई कर सकता है। चल ठीक है, करते हैं ट्राई। की बात बोलूंगा, अब तो उसे भूल जाओ। कट। ओ चल भाई, ये थी हमारी पहली वीडियो जो हमारी शूट हो गई, अब इसे एडिट करो। भाई बस इस वीडियो पे ना व्यूज आ जाए यार। ओ भाई ये पहली वीडियो है, उम्मीद मत रख कुछ, लोग सालों साल मेहनत करते हैं। चल ठीक है, काम करते हैं, रिजल्ट जो भी आया ना एक्सेप्ट है। आनंद आजा, आजा भाई डीओपी। और मेरे भाई कितने व्यूज आए? व्यूज भाई इतनी मेहनत करने के बाद में सिर्फ 127, ऐसे कैसे चलेगा यार? ओ मेरे भाई 127 तो आए, आज 127 हैं, कल ज्यादा आएंगे। अबे यार इस फील्ड में ना ऐसा होता है, मेहनत कर होगा। रास्ते भागे पांव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पांव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ वे सबरियाँ, वे सबरियाँ, वे सबरियाँ। अरे आजम ये क्या कर रहा है? स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ भाई। स्क्रिप्ट लिख रहा है? अच्छा मुझे एक बात बता, तू कोई काम तो करता नहीं है, तो तेरे पास ये शूट के पैसे कहाँ से आते हैं? भाई अभी तो माई 11 सर्कल से। माई 11 सर्कल ये क्या है भाई? भाई देख, जैसा कि तुझे पता है कि इंडिया में T20 लीग चालू है, तो हमें क्रिकेट देखना और एनालाइज करना कितना पसंद है। तो भाई इस टाइम पे मैं माई 11 सर्कल ऐप यूज़ कर रहा हूँ और बहुत सारे पैसे अर्न कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लेजेंड्स हैं जैसे कि दादा, लक्ष्मण सर, रहाने सर, राशिद। सही है यार। हाँ भाई माई 11 सर्कल का सबसे यूनिक फीचर यही है कि तू इन चैंपियन के साथ ना हेड टू हेड खेल सकता है। मस्त है भाई, लेकिन कैसे? अरे भाई बहुत सिंपल है, तेरे को 11 प्लेयर चूज करना है दोनों टीमों में से और अपनी टीम बनानी है। भाई जैसे कि इंडिया में इस टाइम पे T20 लीग चल रहा है और माई 11 सर्कल पे जो फर्स्ट प्राइज है ना वो है 5 करोड़। हाँ भाई बिल्कुल तूने सही सुना, 5 करोड़। और अगर तू सोचता है कि तू एक अच्छा खिलाड़ी है तो तू जीत सकता है फर्स्ट प्राइज यानी 5 करोड़ रुपए। और तो और भाई अगर तू यहाँ पे राशिद या लक्ष्मण सर की टीम को बीट करता है ना तो तू जीत सकता है 5 गुना एक्स्ट्रा कैश। कितना सही है ना? हाँ भाई। और भाई यहाँ पे तेरे को फर्स्ट डिपॉजिट पे मिलेगा 1500 रुपये का वेलकम बोनस, और अगर तू मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में से जाता है तो तेरे को मिलेगा 20% का एक्स्ट्रा बोनस। और भाई ये पैसे मिलेंगे कैसे? भाई जीते हुए पैसे डायरेक्ट तेरे बैंक अकाउंट में, वो भी एकदम सिक्योर तरीके से। ये कुछ लोग हैं जो माई 11 सर्कल से करोड़पति बने हैं। ये तो सच्ची में बहुत सही है यार, मैं भी डाउनलोड करता हूँ माई 11 सर्कल। हाँ भाई डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चल मेरे को स्क्रिप्ट लिखने दे। बस यार यही चल रहा है, शूट एडिट शूट एडिट। तो तू छोड़ क्यों नहीं देता यार ये काम? नहीं यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर लूंगा और मैं पूरी मेहनत से करूंगा, लेकिन घर वाले क्या, किसी ने घर पे वीडियो दिखा दी और फिर कलेश और फिर गालियां। वैसे सच कहूं तो मुझे भी नहीं, करेगा काम कुछ खास नहीं लगता। नहीं यार मुझे ऐसा लगता है
ये मैं काम कर लूंगा और फिर पूरी मेहनत से करूंगा। चल सही है, तुझे लगता है तो कर, कंटिन्यू। चल मैं चलता हूँ, न्यू स्क्रिप्ट करनी है और घर वालों की गालियां भी खानी है। अरे चल ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो, आई एम विद यू। ओके थैंक यू। तेरे से कितनी बार बोला है कि पायल से दूर आकर? भाई मैंने ना उससे कुछ भी नहीं कहा, ठीक है? वरुण वो ना कभी झूठ नहीं बोलती, तो प्लीज अपने लैंग्वेज को कंट्रोल में रखा कर। यार देख मेरी बात सुन ले पहले, ठीक है? उसकी अबे यार मेरी बात सुन ले। क्या क्या चल रहा है ये ड्रामा? क्या नौटंकी चलती रहती है तुम्हारी? बंद कर इसको। क्या तुम्हारा हर समय ये चलता रहता है? है कोई अच्छी सी जॉब नहीं कर सकता है? नौटंकियों में लगा रहता है दिन रात। लेकिन भाई क्या भाई, तुझे पढ़ाया लिखाया है इसलिए ताकि तू ये करे? लेकिन भाई बुराई क्या है इसमें? अच्छाई क्या है इसमें? क्या अच्छाई है इसमें? क्या कमाया है तूने आज तक? कर क्या लिया तूने इससे? भाई आज पैसा नहीं है, लेकिन कल मैं इसी काम से तुम्हें पैसा कमा के दिखाऊंगा। मैं वेट करूंगा। वाह मेरे शेख, एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे। किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत ना छोटे से ही होती है। यार देख मैं तेरी दोस्त हूँ इसलिए तेरे भले की नहीं कह रही, गली गली में देखे हैं मैंने यूट्यूबर घूमते। यार तू हमारी क्लास का ब्रिलियंट स्टूडेंट था, हमेशा फर्स्ट आता था, पता नहीं तुझे एक्टिंग का भूत कहाँ से चढ़ गया। नम्रा सब मुझे यही बोलते हैं, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, तू भी, लेकिन पता नहीं ऐसा लगता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। असम 6 महीने हो चुके, बता क्या प्रोग्रेस है? मतलब 127 व्यूज से 1027 व्यूज हो गए, बस ऐसे कैसे चलेगा यार? चलेगा नम्रा, जरूर चलेगा, बट आई थिंक मुझे कुछ अलग करने की जरूरत है। अबे यार वो तेरी दोस्त है ना, तो उसको इतना बोल कि अपने काम से काम रखे। वो क्या यार, सभी बोलते हैं यार, सबको इतना इजी लगता है क्या? पहले स्क्रिप्ट, फिर शूट, फिर एडिटिंग, उसके बाद कुछ व्यूज, फिर उसके बाद सबके ताने। छोड़ना भाई। एक बात बता, वो रील्स क्यों बनाती है? कहती है टाइम पास के लिए बना रही हूँ, कोई पैशन नहीं। हाँ तो उसको इतना बोल कि अपने काम से काम रखे, यहाँ ना बोले बस। अच्छा छोड़ना यार, तू टेंशन मत। मैं ये कह रहा था हमें ना कुछ अलग करने की जरूरत है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट। जैसे देख मेरे माइंड में ना एक स्क्रिप्ट है, मैं लिखता हूँ तुझे बताता हूँ, गन शूट करते हैं। ठीक है। अबे ओए 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 रुक 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 रुक। क्या हुआ? कहाँ रहा? भाई की काम से जा रहा हूँ, क्या हुआ? तूने वीडियो देखी? नहीं, क्या हुआ? देख एक दिन में 1,00,000 व्यूज, 25,000 लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट्स। अबे मतलब हमारी वीडियो चल गई? और क्या, हमारी वीडियो चल गई। मतलब हमारी वीडियो चल गई भाई। देखा मैंने कहा था ना भाई, ऐसी काम करते रहो, मजा आता रहेगा। मैनू पिंजरे दे विच कैद करो, मैं ना उड़ना चाहवां, ऐसा मैं परिंदा हाँ जिन्हू मार देन हवावां। मैनू पिंजरे दे विच कैद करो, मैं ना उड़ना चाहवां, ऐसा मैं परिंदा हाँ जिन्हू मार देन हवावां। जे मैं निकला बार मैनू दिसना मेरा यार, जे मैं निकला, जे मैं निकला बार मैनू दिसना मेरा यार, कदे नी मिलना जीने लखां तरले पावां। मैनू पिंजरे दे विच कैद करो, मैं ना उड़ना चाहवां, ऐसा मैं परिंदा हाँ जिन्हू मार देन हवावां। वरुण ये वाली लोकेशन ठीक रहेगी आगे वाली, क्या बोलता है? नहीं यार। फिर ओ हाय नम्रा, कैसी है? मैं बढ़िया, तू कैसा है? मैं एकदम बढ़िया। एंड यार कांग्रेचुलेशन यार। थैंक यू यार, सच में यार तूने तो कर दिखाया।
समझ के मैं ये वाला शॉट है यार वरुण सबके पास ही परमिट लेके ही वाले ठीक है एक बार शॉट चेक करो अच्छा वरुण मैं क्या सोच रहा हूँ कि हर चैनल के पास ना एक परमानेंट लड़की है तो कोई ऐसी लड़की होगी जो हमारे चैनल में परमानेंट काम कर सके चल देखता हूँ आनंद बढ़िया अगला शॉट ना वाइट ठीक है ठीक है चल ठीक है अबे कल शूट है उसने बताया नहीं तुझे कल आ जियो वरुण मुझे कुछ बात करनी थी हाँ बोल समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं मैंने आजम को इतना अंडर एस्टिमेट जो किया अरे साफ साफ बोल ना बात क्या है यार वो एक्चुअली पहले ना मैं भी आजम को सोचती थी कि वो कुछ नहीं कर पाएगा मैं भी उसको उसके घर वालों की तरह ही बोलती थी लेकिन तुम दोनों ने कर दिखाया यार एंड आई एम सो हैप्पी विद फॉर बोथ ऑफ यू थैंक यू कोई ना अच्छा सुन ना क्या मैं भी तुम लोगों के साथ काम कर सकती हूँ तू सच में हमारे साथ काम करना चाहती है चल ठीक है मैं आजम से बात करके बताता हूँ ओके बाय पागल तूने मुझसे डायरेक्ट क्यों नहीं बोला किस मुंह से बोलती कुछ बोलने लायक थी क्या मैं ऑलरेडी कितना सुना चुकी थी मैं तुझे छोड़ ना यार एक काम कर 3 दिन बाद शूट है रेडी रहियो सच में हाँ बाबा सच में क्या कर रही है यार ये वो सीन है जहाँ पे मतलब अट्रैक्ट करना है ऑडियंस को यार तू क्या कर रही है ये आजम हम कुछ और सीन कर लेते ना गले लगने वाला जरूरी है क्या भाई गले लगना है वरुण दोबारा करते हैं आ सॉरी नम्रा सॉरी गलती से कर गया एक बार दोबारा करते हैं सॉरी यार दोबारा आता हूँ नम्रा बाद में बात कर दियो चलना यार वरुण बुला रहा है यार हाँ यार तो क्या हो गया चलना यार हट ना बार बार हाथ क्यों लगा रहे मैं तुझे कितने दिनों से नोटिस कर रही हूँ पर मैंने बोला नहीं कभी गले लगाने की कोशिश करता है कभी उधर हाथ लगाता है अब फिर से हाथ लगा रहा है ये कोई तरीका है मतलब माना मैं तेरी वीडियो में खुद से आई हूँ पर इसका मतलब ये है कि तू मेरा मिसयूज करेगा ठीक है नम्रा क्या बोल रही है यार सब देख रहे हैं देख रहे तो देख रहे थे उन्हें भी पता लगा कि तू दोस्ती के नाम पे कितना फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है मुझे पता है यार मैं ऐसा नहीं कर सकता अरे ये तो वही है ना यूट्यूबर उनका तो काम यही होता है लड़कियों को बुलाते हैं और सोचते हैं जो मर्जी वो करे अगर तुझे ऐसा कुछ लगा भी है तो आई एम सॉरी पर तू ऐसा कर रहा है तभी मैं बोल रही हूं ठीक है मुझे नहीं करनी आज के बाद तेरे साथ वीडियो जा रही हूं मैं ये आजम की कौन सी वीडियो वायरल हो रही है हाँ वरुण अबे ओए ये तेरी कौन सी वीडियो वायरल हो रही है ये देख मतलब तूने नम्रा के साथ बदतमीजी की है अबे नहीं यार मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी वो तो बस मैं उसे एज ए फ्रेंड ट्रीट कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि वो उसे इतना उल्टा ले लेगी और वो बोल पड़ी और फिर सबने वीडियो बना ली अबे वो ये वीडियो वायरल देख कितनी है और तुझे पता है कमेंट्स में लोग क्या बोल रहे हैं एफआईआर करो और दिल्ली पुलिस को मेंशन कर रहे हैं आई नो यार लेकिन मेरे खुद समझ नहीं आ रहा एक मिनट रुक मैं नम्रा से बात करता हूँ हेलो नम्रा तू आजम को बहुत अच्छी तरीके से जानती है तुझे ऐसा लगता है कि वो तेरे साथ ऐसा कर सकता है देख उसने जो करना था ना वो कर लिया ठीक है और वैसे भी अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी है अच्छा सुन नम्रा अगर केस हो ना तो प्लीज यार मत करियो यार देख बात मेरे हाथ से निकल चुकी है और पुलिस वालों को मेरे पास बार बार फोन आ रहा है अभी भी आ रहा है मैं फोन कट कर रही हूँ ठीक है
हेलो हेलो नम साल की सजा सुनाती है और इनका YouTube चैनल बंद करने का हुक्म देती है। आजब मेरी बात सुनना यार, भूल जा जो सब हुआ। आजब मैं कुछ बोल रहा हूँ यार, तो सुन। वरुण, तू जानता है यार मैं ये सब कभी नहीं कर सकता था, फिर भी मेरी लाइफ खराब हो गई और मुझे उस गलती की सजा मिली तो मैंने कभी की नहीं थी। मैं जानता हूँ यार, लेकिन I'm really sorry आजम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं शायद उस दिन कुछ ज्यादा ही ओवररिएक्ट कर गई, मुझे नहीं पता था बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जिस दिन वरुण का फोन आया था उस दिन मैं बात संभाल सकती थी। अच्छा सुन नम्रा, अगर केस होना तो प्लीज यार मत करियो। यार देख, बात मेरे हाथ से निकल चुकी है और पुलिस वालों को मेरे पास बार बार फोन आ रहा है, अभी भी आ रहा है, मैं फोन कट कर रही हूँ। ठीक है यार हीरा, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? मैं कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही हूँ ना? अरे छोड़ ना यार, जो हो रहा है उसे होने दे। तू उसके पास किस लिए गई थी? फेम के लिए। और आज देख न्यूज चैनल, न्यूज पेपर, हर जगह सिर्फ तू ही तू है। तो जो हो रहा है उसे होने दे, तेरी लाइफ बन रही है, तू अपना एंजॉय कर। काश मैं उस दिन उसकी बातों में नहीं आती। दो तीन महीनों तक मुझे लोगों ने बहुत पूछा और उसके बाद सब भूल गए, लेकिन तुम्हारी तो मैंने जिंदगी पर बात कर दी। Really sorry, Azam. गलती तुम्हारी नहीं है नम्रा, गलती सोसाइटी की है। अगर लड़का और लड़की के बीच में कोई भी बात हो रही है ना, तो बिना सोचे समझे लड़के की गलती होती है। बात इक्वालिटी की करते हैं, लेकिन बात अगर एक्चुअल में इक्वालिटी की हो ना, तो हमेशा लड़का गलत होता है। Sorry, Azam. I'm really sorry. क्या सॉरी नम्रा? तुम्हारे सॉरी से मेरे 3 साल वापिस आ जाएंगे, मेरा करियर वापिस आ जाएगा। नहीं ना, मैं तो तुमसे कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने तुमसे कुछ कहा तो अभी 4-5 लोग आ जाएंगे कि लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो प्लीज जाने दे मुझे। आंसू, एक टुटिया तारा वेखिया जमाई मेरे वर्गासी के चननू कोई फर्क पे आना जमाई तेरे। So, hey guys, कैसी लगी वीडियो? गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता लगता रहे कि यार आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर जरूर कर देना वीडियो को, आपकी शेयर की बहुत ज़्यादा नीड है, तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन का बटन है इसे प्रेस कर देना ताकि आने वाली जो वीडियो है आपसे मिस ना हो। और गाइस जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, माय 11 सर्कल डाउनलोड कर लो, एनालाइज करो और आप जीत सकते हो बहुत सारा पैसा। फर्स्ट प्राइज जो है वो है 5 करोड़, तो जाओ अपना लक आजमाओ और जीतो बहुत सारा पैसा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और गाइस मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, उसका भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, लव यू गाइस। Game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk.